आईपीएल के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा विवादों में घिर गए हैं। गुजरात की सूरत की मशहूर मॉडल तानिया सिंह के सुसाइड केस में उन्हें पुलिस ने समन्स भेजा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है कि तानिया सिंह ने आखिरी कॉल सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की थी। सुसाइड का पता चलते ही पुलिस तानिया के घर गई और छानबीन शुरू की। जांच में यह साफ हुआ, जब तानिया का फोन चेक किया गया तो ये बात सामने आई कि उन्होंने लास्ट कॉल अभिषेक शर्मा को किया था। पुलिस की माने तो तानिया सिंह की कॉल डिटेल में कई राज छिपे हुए हैं, जिसका पता आगे की कार्यवाही पूरी करने पर लगेगा। इसी आधार पर अभिषेक शर्मा से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उन्हें समन्स भेजा है। तो आईपीएल के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा विवादों में घिर गए हैं। मॉडल की मर्डर मौत मिस्ट्री में अब यह पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है और जो तानिया का फोन जब्त किया गया है उसमें यह बात कही गई है कि तानिया ने आखिरी बार अभिषेक शर्मा को फोन किया था। अब जो उनकी कॉल डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है, जिसके बाद कई राज से पर्दा उठ पाएगा। कोई अगम्य कारणोसर करे पंखा छत ना पंखा साथ दुपट्टो बांधी गड़ो फासो खाई सुसाइड करेल छे, जेथी वेसु पुलिस अधिकारी तात्कालिक घटनास्थले पहुंची गये અને અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે। કૃતેશ પટેલ અમારે સાથ લાઈવ મોજૂદ હે। કૃતેશ, જો પોલીસ કહે રહી હે કે ફાંસી લગાકર યહાં પર આત્મહત્યા કી હે, અભી તક ક્યા જાણકારીયાં નિકલ કરકે સામને આઈ હે? એક તો ફોન સે પતા ચલા હે કે લાસ્ટ કોલ અભિષેક શર્મા કો કી ગઈ થી, ઓર અભિષેક શર્મા કા ક્યા ઇન્વોલ્વમેન્ટ હે ઇસ બારે મે કુછ પતા ચલ પાયા હે? बिल्कुल, सूरत के वेसु इलाके में रहने वाली तानिया सिंह नामनी मॉडल ने जिस तरह से दो दिन पहले अपने ही घर के रूम में सुसाइड कर लिया है, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में गुनाह दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। तब तानिया सिंह ने मरने से पहले अभिषेक शर्मा का जो आईपीएल का स्टार क्रिकेटर है उनसे बात की गई, हालांकि उनके परिवार के और उनके फ्रेंड लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। उसमें मामला सामने आया है कि तानिया का अभिषेक के साथ काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन बीच में ब्रेकअप हो गया था और लगातार तानिया फिर वो रिलेशन स्टार्ट करने के लिए लगातार अभिषेक को कॉल कर रही थी, लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था, जिसके चलते काफ़ी लंबे समय से तानिया डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में आने के बाद इसने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस ने मरने वाली मॉडल तानिया सिंह के मोबाइल की डिटेल निकाली और परिवार की पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई उसके चलते अभिषेक शर्मा को समन्स भेजा है और कभी भी सूरत उसकी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अब ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाली और सूरत की ये मॉडल तानिया काफ़ी लंबे समय से आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को डेट कर रही थी। दोनों के बीच में कहा जाता है कि प्रेम मिस्ट्री भी चली है, मगर थोड़े समय पहले ब्रेकअप होने के बाद लगातार ये ब्रेकअप कट करके फिर रिलेशन के लिए लगातार बातें हो रही थी, और जिसके चलते तानिया काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन को लेके जब सुसाइड किया है, तब अब इस मामले में पुलिस आगे तफ्तीश करेगी। और कहा जाता है कि पुलिस की एक टीम अभिषेक शर्मा का बयान दर्ज करने के लिए उसके घर पे जाने के लिए रवाना हुई, ऐसी बात सूत्रों से जानने को मिल रही है। जी कृतेश पटेल, अभी तक पुलिस जिस तरह की तफ्तीश आगे बढ़ा पाई है, अभिषेक की इन्वॉल्वमेंट किस स्तर पर रही है, क्या भूमिका हो सकती है, क्यों समन्स भेजा गया है, क्या इस बारे में और विस्तार से पुलिस बता पा रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, पुलिस इस मामले में बोलने से कतरा रही है, मगर जिस तरह से तानिया की जो फ्रेंड है उनका कहना है कि अभिषेक से काफ़ी लंबे समय के साथ अफेयर चल रहा था। खास करके अभिषेक जब सूरत में एक आईपीएल की मैच खेलने आए थे, तब भी तानिया उसके साथ घूमती हुई देखने को मिल रही थी। इस मतलब कहा जाता है कि सीधे तौर पे तानिया और अभिषेक के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच रिश्ते में दरार आई और जिस तरह से पूरी मामला ब्रेकअप तक पहुंचा था, लगातार तानिया अभिषेक को संपर्क करने का प्रयास कर रही थी पर अभिषेक बात करने से कतरा रहा था। तानिया की जो फ्रेंड है वो बता रही है कि अभिषेक के साथ लंबे समय तक इनकी प्रेम मिस्ट्री चली थी। ठीक है कृतेश, हम आपसे समझेंगे कि ये दोस्ती कब से शुरू हुई थी, कितने टाइम तक इनका अफेयर रहा था। इस बीच पुलिस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आई है, पुलिस क्या कह रही है पहले ये सुनते हैं। तानिया जो 29 साल की है उसने पंखे से लटक के दुपट्टा बांध के खुदकुशी की है, वैसी जाहिरात दी थी और वो अगम्य कारणों सर वो किया था, ऐसा दिखाया था जाहिरात में। तो वेसु पुलिस के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पे जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है
और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरण जाना लेडी के फोन से हम CDR और IPDR में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सही बात है ये। कृतेश पटेल हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। कृतेश, क्या उस मृतका मॉडल के परिवार वालों ने कोई अहम बयान दिया है जिससे पता चल सके कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी, कौन इसमें दोषी हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से तानिया ने सुसाइड किया है, 29 साल की लड़की जब सुसाइड करती है पूरा परिवार सदमे में चला गया है, क्योंकि अच्छी खासी मॉडल थी और परिवार को सपोर्ट कर रही थी, और लगातार ऐसा क्या हुआ कि वो अपने काम छोड़ के सूरत आती और सूरत आने के बाद अपने रूम में सुसाइड कर लेती। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जब परिवार से बात की तब परिवार ने बताया कि अभिषेक शर्मा के साथ उसका लंबे समय से अफेयर था, दोनों शादी करने वाले थे, मगर बीच में ऐसी कोई बात हुई जिसके चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था और लगातार तानिया अभिषेक का संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि एक बात ऐसी भी सुनने में आई है कि जिस दिन ये सुसाइड किया उससे पहले तानिया ने अपने एक फ्रेंड के जो UK में रहती है उसके साथ वीडियो कॉल करके बात की है और पूरी अपनी दिल की बात उससे शेयर की। हालांकि पुलिस जो तानिया के फ्रेंड UK है उससे भी फोन पे संपर्क करने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले की बात है उसकी फ्रेंड को की थी। कहा जाता है कि जिस तरह से अभिषेक ने तानिया को छोड़ दिया था, ब्रेकअप हो गया था, उससे लंबे समय से तानिया डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन के चलते उसने सुसाइड किया हो ऐसा प्राथमिक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है। ठीक है कृतेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर